हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिजिक्स क्लास 12। एंड जो ये चैप्टर होने वाले ये भी वन शॉट वीडियो ही होने वाली है, ताकि आप सबके जो डाउट्स हैं वो सभी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं, आपको बार बार अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग वीडियोस को ना देखना पड़े, ठीक है। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म या स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ठीक है, रेनबो या डिस्पर्जन कैसे हो रही है, स्कैटरिंग कैसे होती है, इन सभी के रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूलाज वो क्या हैं, या डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन, या जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो सब, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में से कट हो चुकी हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड अगर वो चीज़ आपके सिलेबस में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी। बट जहाँ तक मुझे पता है वो सभी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप सबके सिलेबस से कट हो चुके हैं, ठीक है। सो हम मेन करेंगे वन शॉट वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि प्रिज्म क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक कोई भी हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का एक पोर्शन है जो कि दो प्लेन सरफेसेस से क्या बाउंडेड है, ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं ना ऐसे प्रिज्म की, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। तो ये इसकी हम इसके बीच में यहाँ पर एंगल्स भी बनते हैं ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पोर्शन है जो कि दो प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड है, ठीक है, और उनके बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। तो यही थी प्रिज्म की डेफिनेशन, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अ प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म की हेल्प से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। सो इसमें हमें एक प्रिज्म चाहिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो इसके लिए हमें एक प्रिज्म चाहिए, ठीक है। प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का होता है, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, चलो ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। एंड यहाँ से क्या है कि एक इंसिडेंट रे पास होगी ऐसे, जब वो प्रिज्म के सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो वो क्या अपना एंगल चेंज कर लेगी, यहाँ से नॉर्मल बना और वो ऐसे अपना एंगल कर लेगी, ठीक है। फिर से वो स्ट्राइक किया उसने, यहाँ पर नॉर्मल बना हमारा और उसने अपना फिर से एंगल चेंज कर लिया, ये हमारा जो इंसिडेंट रे है वो प्रिज्म से ऐसे पास होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। पहले तो ए बी सरफेस पर हुआ रिफ्रैक्शन, फिर ए सी पर हुआ, ठीक है।
एंड यही हमारा क्या रिफ्रैक्शन। अभी अगर हम यहाँ से देखें कि हमारी जो इंसिडेंट रे थी उसने जाना तो ऐसे था, है ना, और ये ऐसे, जब हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बन रहा है और जो ये एंगल बन रहा है वो के डेल्टा, और इसको हम कोई भी नेम दे देते हैं, सपोज पी नेम दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ से हमारा जो लाइन है नॉर्मल की उसको जोड़ते हैं, लाइक ऐसे हमने इसको जोड़ दिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमारा जो ये एंगल बन रहा है वो क्या होगा, नॉर्मल है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और इसके बीच के एंगल आर आर वन इसको ले लो और आर टू इसको ले लो, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्टेड रे और ये भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर हमारा आर वन एंड आर टू आ गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, बीच के एंगल आई वन, एंड ये भी इमर्जेंट रे है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये इमर्जेंट रे है, ठीक है, या है तो ये भी इंसिडेंट रे है ना, तो यहाँ ये हमारा आई टू बन जाएगा, इमर्जेंट रे है तो ये इक्वल टू ई है, हम इसको ई भी लिख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल वन है, ये हमारा नॉर्मल टू है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अभी हमने पॉइंट्स को नेम देना है, तो सपोज इस पॉइंट का नेम हमारा क्या है, एल, इसका है हमारा एम, एंड ये हमारा पॉइंट ओ। अभी मेन काम जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है, ये तो हमारी थी डायग्राम, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमने क्या करना है कि आपको क्या चीज़ दिख रही है, कि आपके पास एक ट्रायंगल है पी एल एंड एम, आपके पास ट्रायंगल है पी एल एम, फ्रॉम ट्रायंगल पी एल एम ये किसके इक्वल होगा, अगर हम एंगल पी एल एम को प्लस करेंगे एंगल पी एम एल से, पी एल एम पी एम एल दोनों का प्लस किया वो किसके इक्वल हुआ, डेविएशन के, जो हमारा ये डेविएशन है ना। अभी यहाँ से क्या है, अगर हम पी एल एम को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि आई वन इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल बाहर है, जो एंगल बाहर होगा वो हम ऐसे बाहर को लेंगे, आई वन इक्वल टू जो अभी अंदर आपके पास क्या है, एक तो आर वन बन रहा है, ठीक है, एक एंगल पी एल एम बन रहा है, आर वन प्लस पी एल एम, अभी आपको तो पी एल एम चाहिए, तो आपके पास क्या आया कि पी एल एम इक्वल टू आई वन माइनस आर वन, ठीक है, आपके पास क्या है, आई वन माइनस आर वन। अभी आप इससे भी क्या करोगे कि आपके पास अभी दूसरा एक और एंगल है पी एम एल, ठीक है, तो वहाँ से आपके आप देखोगे आपके पास आई टू है बाहर को एंगल, आई टू इज इक्वल टू एंगल पी एम एल प्लस आर टू, आर टू, ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या होगा, फिर से आपके पास पी एम एल की वैल्यू आ जाएगी जो क्या है, आई टू माइनस आर टू इक्वल टू एंगल पी एम एल। अभी आप इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हो, तो अभी आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है जब आप इसमें पुट करते हो, डेविएशन इक्वल टू पहले पी एल एम की वैल्यू आई वन माइनस आर वन, देन उसकी वैल्यू प्लस उसकी वैल्यू क्या है, आई टू माइनस आर टू, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है इसमें कि आपके पास जो ये वैल्यू आ गई, अभी आप I1 एंड I2 को इकट्ठा लिख लोगे और R1 एंड R2 को इकट्ठा लिख लोगे, तो आपके पास क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि R1 R2 दोनों नेगेटिव है, दोनों माइनस हैं, तो आप इसको ब्रैकेट में बाहर माइनस लिख सकते हो, तो आपके पास वही वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आप क्या करोगे, जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है तो इसको आप इक्वेशन नंबर वन दे दोगे कि ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है।
अभी आप क्या देख रहे हो कि आपके पास एक और ट्रायंगल बन रहा है एल एम ओ, फ्रॉम ट्रायंगल एल एम ओ आपके पास क्या है, आर वन है, आर टू है एंड एक ओ पॉइंट है। तो आप क्या लिख सकते हो, आर वन प्लस आर टू प्लस ओ, इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री का, तो इसको 0.2 दे दो। ठीक है, फिर आपके पास एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ए एल एम ओ, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, पॉइंट ए एल एम एंड ओ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए एल एम ओ आपके पास कौन कौन से पॉइंट हैं, ए एल एम ओ, ए प्लस एल प्लस एम प्लस ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, कि आपका 360 डिग्री की इक्वल है। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, आर वन और आर टू के कौन सा पॉइंट था, एल एंड एम, एल एम पॉइंट, एल पर हमारा कौन सा पॉइंट था, आर वन, एंड एम पर क्या था, आर टू। मीन्स एल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमारे पास ये आया था। ठीक है, एंड पीछे कौन से बचे, ए एंड ओ, देन ए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ओ इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपके पास क्या है कि ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो आप जो आपकी लेफ्ट साइड है इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे, ए प्लस ओ इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस ओ, ओ ओ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आया कि आर वन प्लस आर टू किसकी इक्वल है, ए के, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप फोर्थ इक्वेशन दे दो, और जो आपकी वन इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दो वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा कि डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको फिफ्थ इक्वेशन नेम दे दोगे। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ होता है, तो आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एल, कि सबसे पहले तो एल पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देन हम अप्लाई करेंगे एम पर, क्योंकि अगर हम एल पर करते हैं तो हमारे पास आई वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई वन एंड आर वन दोनों एल पर है और हमें इन्हीं की तो वैल्यू चाहिए। हमें पता है ना, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अभी हमारे पास आई और आर की वैल्यू चाहिए, और एम पर इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर हमारा आई टू एंड आर टू है। ठीक है, क्योंकि अभी हम दोनों में से एक को तो ले नहीं सकते, हम दोनों को लेंगे। ठीक है, तो पहले हम एल पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अभी हमारा जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम साइन आई अपॉन साइन आर को कैसे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन आर, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अभी हमारे एल पॉइंट पर वन है, आई वन एंड आर वन, तो अभी हमारा जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू आई वन अपॉन आर वन, और यहाँ से हमारे पास आई वन की वैल्यू क्या आ रही है, आर म्यू आर वन। तो इसको आप कोई भी चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो, चाहे आप इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लो। और जब आप पॉइंट एम पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, म्यू इक्वल टू आई टू अपॉन आर टू। तो यहाँ से आपके पास आई टू इक्वल टू म्यू आर टू की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अभी आपके पास आई वन आई टू दोनों की वैल्यू है, तो आप इसमें पुट कर सकते हो। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या चीज़ बनती है, डेविएशन इक्वल टू म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए। अभी यहाँ से आपका म्यू कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू आर वन प्लस आर टू माइनस ए, आर वन प्लस आर टू माइनस ए, ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आर वन प्लस आर टू की तो आपको वैल्यू पता ही है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, म्यू
ए माइनस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपके पास क्या आएगा, म्यू ए माइनस है। अभी ए आपके पास कॉमन है तो आप ए को बाहर निकाल कर म्यू माइनस वन आ जाएगा आपके पास, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई कि डेविएशन इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। और ये आपका वो जो फॉर्मूला है ये किसके लिए, फॉर थिन प्रिज्म, दिस फॉर्मूला इज फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है, अभी इसके बाद इसी एक इन्हीं सारी इक्वेशंस को यूज़ करके हम प्रिज्म फॉर्मूला निकालेंगे, ये तो अभी थिन प्रिज्म के लिए था। ठीक है, अभी हम किस क्या करेंगे कि अभी हम प्रिज्म फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। मैं पेज तो फोल्ड कर नहीं सकती क्योंकि हमें डायग्राम चाहिए, तो मैं एक पेज ले लेती हूँ और कोई वेट। तो आप यहाँ से देखिए, ठीक है, कि वो तो हमारे पास थिन प्रिज्म के लिए आ गया था, लेकिन अगर हम देखें कि सोच लेते हैं कि इफ डेविएशन एम इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि अगर हमारा डेविएशन एम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन एम ठीक है, मिनिमम डेविएशन है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, डेविएशन को मिनिमम डेविएशन लिख सकते हैं। एंड हमारी इसी से आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई है, एंड आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर है। अभी हम ये सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर फोर में पुट करते हैं, आप चेक करो आपके पास इक्वेशन नंबर फोर क्या थी, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो पुट करो ए इक्वल टू आर प्लस आर आ गया आपके पास। यहाँ से आपके पास आया ए इक्वल टू टू आर, ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर इक्वल टू ए अपॉन टू, ठीक है, ये आपके पास चीज़ आ गई। अभी आपके पास एक फिफ्थ इक्वेशन आई थी कि डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, फिर से इसकी वैल्यू पुट कर, डेविएशन हमारा क्या था, डेविएशन एम इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, यहाँ से आपके पास क्या आया, डेविएशन एम इक्वल टू टू आई माइनस ए, आपको आई की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, डेविएशन एम प्लस ए अपॉन टू इक्वल टू आई। अभी आपके पास आई एंड आर दोनों के वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पुट इन स्नेल्स लॉ, या तो अप्लाई स्नेल्स लॉ लिख लो या पुट इन स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि आपके आपके पास स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू पुट कर दोगे आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आया, म्यू साइन आई की वैल्यू क्या थी, डेविएशन एम प्लस ए मिनिमम डेविएशन प्लस ए अपॉन टू, एंड अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या थी, ए अपॉन टू ए बाय टू। ठीक है, और यही आपका फॉर्मूला है प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, यही आपके रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म था। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो डिस्पर्जन में हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, तो वो तो आप सबको पता है कि डिस्पर्जन क्या होता है, ये एक फिनोमिनॉन है या हम इसको एक प्रोसेस बोल सकते हैं जिसमें जो हमारी वाइट लाइट है वो क्या स्प्लिट कर जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जब भी उसको हम एक प्रिज्म से पास करवाते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन कौन से होंगे, सेवन कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम बनता है है ना, तो उसमें से इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, वेबग्योर, कि हमारे पास वेबग्योर बना है, वेबग्योर से ही हमें इसका नेम मिलता है कि कौन कौन से सेवन कलर्स हैं, वेब ग्योर। वी हमारे पास वायलेट है, आई इंडिको,
ठीक है, बी ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये आपके पास 7 कलर्स होते हैं। अभी इसमें आपके मैंने वर्ड यूज़ किया स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम कलर्स जो हमारे पास कलर कंपोनेंट्स हैं है ना लाइट के, लाइक वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो इनका जो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हमें जब भी हमारे पास कोई भी डिस्पर्जन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देंगे कि डिस्पर्जन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि ये हमारा प्रिज्म है, जब यहाँ से हम एक वाइट लाइट को पास करवाते हैं ऐसे, ये हमारी वाइट लाइट है, वाइट लाइट को जब हम पास करवाते हैं वो क्या करेगा, वो इसको 7 कलर्स में, यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगाएंगे, ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 7 में कलर कर देगा, और हम नीचे से लिखेंगे वेबग्योर, ठीक है। ये आपके पास 7 कलर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम और एरोज आपको ज़रूर शो करने हैं, ठीक है। अभी डिस्पर्जन के कॉजेस क्या होते हैं? डिस्पर्जन का कॉजेस सिर्फ ये ही होता है कि जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं ग्लास में, ठीक है। जिसके तो सबसे कम अमाउंट होगी है ना, मींस अगर हम बोले रेड को, ठीक है, रेड के बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और वो के डेविएट कम होते हैं, मीन्स जो रेड की हम बोल सकते हैं वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, सॉरी बहुत ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या स्कैटर कम होता है ना, तो वो डेविएट कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वायलेट की देखें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं हम उसको, कम है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो स्कैटर भी बहुत ज़्यादा होता है एंड डेविएशन भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास कलर है वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक कॉची रिलेशन आता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी सारी डिस्पर्जन टिकी हुई है। कॉची एक साइंटिस्ट का नेम है, एक पर्सन का नेम है, जिसने अपने नाम के ऊपर ही एक रिलेशन हमें दिया है कि म्यू इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा फोर एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्होंने बताया है कि जो हमारी, क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ है, जो हमारी वेवलेंथ है वो मैक्सिमम तो किसकी होती है, रेड की, रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज़ ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वी, कि वायलेट की सबसे कम होती है एंड रेड की सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा रेड का कम होता है बट वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, ये एग्ज़ाम में आता होता है, एक दो नंबर में आ सकता है, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है कि हमारी जो, मतलब एक्सट्रीम कलर्स हैं वो कितनी, उनकी जो डेविएशंस हैं उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सट्रीम कलर्स कौन से हैं, एक तो रेड है, एक तो वायलेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू डेविएशन वी माइनस डेविएशन आर, की जो हमारे पास दो एक्सट्रीम कलर्स हैं इनके बीच की जो डेविएशन है उनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें पता है डेविएशन का फॉर्मूला हमने प्रिज्म फार्मूला में निकाला था, म्यू माइनस वन है ना, अभी यहाँ पर म्यू किसके लिए, वॉयलेट के लिए, ठीक है, म्यू आर माइनस वन, ए हमने दोनों में कॉमन ले रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारा थीटा है वो क्या है, जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वन माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, ये हमारी क्या एंगुलर डिस्पर्जन। लेकिन अगर हम डिस्पर्सिव पार की, डिस्पर्सिव पार को हम ओमेगा से, इसको हम ओमेगा बोलते हैं,
ठीक है, इस ओमेगा से डिनोट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को। हमारे डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन ओमेगा इज इक्वल टू डेविएशन वी माइनस डेविएशन आर अपॉन डेविएशन, ठीक है, टू द मीन डेविएशन, जो भी हमारे प्रिज्म का प्रोडक्ट आता है, जो हमारा प्रिज्म प्रोड्यूस करता है डेविएशन, ठीक है, ये हमारा डिस्पर्सिव पावर है। तो अभी अगर हम थिन प्रिज्म के लिए देखें तो ये क्या चीज़ बन जाती है, ये बनेगा जब हम इसको ओपन कर देंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस वन ए माइनस म्यू आर माइनस वन ए। अभी ये चीज़ आपको पता है कि कैसे किया, डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस वन ए सॉरी वन, ठीक है। अभी यहाँ से आपके पास ए कॉमन आ जाएगा, जब आप ए को कॉमन निकालोगे, जब आप ये ब्रैकेट भी खोल दोगे, ए तो आपके पास कॉमन आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो एंड में आपके पास क्या चीज़ रही, ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर, ए ए कैंसिल हो जाएगा, म्यू माइनस वन, आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। और यही आपका क्या डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो आपको पता ही है कि क्या होता है ना, कि जब हमारी जो वाइट लाइट है वो क्या स्कैटर हो जाती है, जो भी हमारे पास कलर्स है ना वो स्कैटर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी सन लाइट है ना कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करती है, तो वो जो लाइट है वो क्या एब्जॉर्ब हो जाती है एंड फिर से रीएमिट होती है सारी डायरेक्शंस में, और इसी फॉर्म इसी फिनोमिनन को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारे पास एक रेले लॉ होता है, ठीक है, ये एक स्कैटरिंग का ही लॉ है। ज़्यादातर जो भी स्कैटरिंग होते हैं वो रेले लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। रेले लॉ हमारे पास क्या होता है, आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता है, ब्लू की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्कैटर होता है, एंड रेड जो हमारे पास कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो स्कैटर कम होता है। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कि सबसे पहले ब्लू कलर स्काई का क्यों होता है, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है। पहले तो हम लिखेंगे ड्यू टू रेले स्कैटरिंग लॉ, रेले ने जो हमें लॉ दिया उसके कारण क्या है कि जो हमारी जो स्कैटरिंग हो रही है सन से, वो क्या उसमें क्या हो रहा है कि सन से जो लाइट आ रही है वो क्या एयर मॉलिक्यूल्स में जा रही है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू रेले लॉ क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, एंड इसी से क्या होगा कि जो हमारा ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है इसलिए वो स्कैटर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमें जो स्काई है वो पूरा का पूरा ब्लू कलर में दिखाई देता है, ठीक है। रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल्स, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, जो डेंजर सिग्नल है उसके लिए रेड कलर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि डेंजर सिग्नल में हमारे पास रेड कलर है, रेड कलर का हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो स्कैटर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बाकी कलर्स की अगर हम देखें तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन रेड की बहुत ज़्यादा होती है वो स्कैटर कम होते हैं, इसलिए बाकी तो साइड पर सारे स्कैटर हो गए लेकिन ये अकेला नहीं हुआ तो ये सबसे पहले ऑब्जर्वर की आई में पहुंच जाता है, ठीक है। रेड कलर हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्यों दिखता है, ठीक है, सन हमें रेड कलर का क्यों दिखता है सनसेट और सन राइज के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर जो हमारा सन होता है वो हॉरिजॉन के बिल्कुल पास होता है, तो उससे क्या होता है जो लाइट आती है ना वो क्या एटमॉस्फेयर में जब लाइट आती है तो हमें ये चीज़ तो पता है कि जो भी हमारे पास कलर्स होंगे लाइक ब्लू उसकी जो वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है तो वो स्कैटर ज़्यादा हो जाएगा, रेड की बहुत ज़्यादा है तो वो कम होगा, इसलिए कम वेवलेंथ के कारण वो क्या ज़्यादा वेवलेंथ के कारण वो क्या ऑब्जॉर्वर की आई में सबसे पहले पहुंचेगा,
ठीक है, अभी हमारे पास है क्लाउड्स हमें ज़्यादातर वाइट कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो क्लाउड है उसके अंदर के टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, और मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये चीज़ें क्या है जो हमारे पास रेले लॉ है ना, रेले स्कैटरिंग लॉ, तो वो उसको ओबे नहीं करता। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास कलर्स होते हैं वो क्या है ऑलमोस्ट इक्वली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से वो क्या स्कैटर हो जाते हैं, इसलिए हमें वो क्या जब हमारे पास मेन सारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो रहे हैं, तो वो क्या है कि मिलकर सिर्फ एक सिंगल लाइट बना देगा, वाइट लाइट बना देगा। इसीलिए हमें क्या है? दिखते हैं कि जो हमारे क्लाउड्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो यही था हमारे पास स्कैटरिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का, वो क्या है रेनबो। कि रेनबो क्या होता है, हमें पता है रेनबो क्या होता है कि ये क्या होता है एक कलर्ड कॉन्सेंट्रिक एक आर्क्स होते हैं जो कि एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होते हैं, जो हम स्काई में देख सकते हैं जस्ट आफ्टर जब रेन होती है ना, तो इसी को हम रेनबो बोलते हैं। तो रेनबो हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी रेनबो होती है, एक सेकेंडरी रेनबो होती है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके पास एक इसमें डायग्राम है, आपने वो करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता, मीन्स 50-50% चांसेस है, बट ज़्यादातर ये नहीं आता एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्जॉर्बर आई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या पार्टिकल्स हैं 3-4। ठीक है, तो जब जो हमारी सनलाइट है वो फर्स्ट पार्टिकल में जाएगी, ऐसे गई, ठीक है, तो वो कैसे स्कैटर होगी, मीन्स इसमें रिफ्रैक्शंस होगी है ना, TIR भी होगी, रिफ्रैक्शंस भी होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे टर्न हो जाएगी, और वो क्या सीधी ऑब्जर्वर की आई में जाएगी है ना। और अगर हम देखें कि अगर सेकंड पार्टिकल में जा रही है, ऐसे जा रही है, तो वो फिर से ऐसे करके ऐसे ऑब्जर्वर की आई में चली जाएगी है ना। अगर हम सेकंड देख थर्ड अगर हमारे थर्ड पार्टिकल में आ रही है, तो वो क्या बिल्कुल सीधी ऐसे आ जाएगी है ना। अगर ऐसे आई तो वो कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी ऐसे, ओ सॉरी ऐसे, ये गलती से ड्रॉ किया। ठीक है, फिर अगर हमारी जो फोर्थ रे है सनलाइट है वो ऐसे गई, तो वो के बिल्कुल ऐसे सेम ही अब्जॉर्बर की आई में चली जाएगी रे। ठीक है, पहली कैसे गई, ऐसे गई, फिर वो ऐसे रिफ्रैक्शन और TIR के कारण ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है ना, ऐसे सनलाइट आई, इसमें भी ऐसे चली गई, जब थर्ड में गई तो वो इसमें एंगल कम था और वो ऐसे ही चली गई। ठीक है, जब फोर्थ है वो भी ऐसे चली गई। अभी जब तो हमारी लाइट कुछ रिफ्रैक्शन से ऐसे जा रही है, वो तो हमारी होगी सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, और जो ऐसे सीधी जा रही है वो दोनों कौन सी होगी, प्राइमरी रेनबो। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास वॉयलेट कलर होगा और ये रेड होगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारा रेड है और ये हमारा वॉयलेट कलर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल्स भी बनते होते हैं, ये ऐसे जा रहा है, हमने इसको शो करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल्स भी बन रहे होते हैं, लाइक ये हमारा एक्सिस ऑफ रेनबो है। ठीक है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रेनबो है, जो हमारा फर्स्ट के साथ बनेगा रेड वॉयलेट के साथ वो हमारा 40 डिग्री का होगा, जो हमारा रेड के साथ बनेगा सेकंड वो 42 डिग्री एंगल का होगा, और जो हमारा थर्ड के साथ बनेगा वो हमारा 52 होगा, और जो हमारा फोर्थ के साथ बनेगा वो 55 डिग्री एंगल का होगा। ठीक है, प्राइमरी रेनबो जब जो सनलाइट के है एक TIR और रिफ्रैक्शन से, ठीक है, मतलब TIR जब उसमें होती है, ठीक है, डिस्पर्जन भी होगी वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण एटमॉस्फेयर में है ना, तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि जो वॉयलेट कलर है वो क्या मींस इनर साइड या इनर एज पर होगा, लेकिन जो रेड कलर है वो आउटर एज पर होगा। ठीक है, इसलिए हमें वहाँ पर जो एंगल है वो 42 डिग्री के एंगल में दिखाई देते हैं, जो हमारी
सन और ऑब्जॉर्बर के बीच के जो लाइन उन्हें ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो हमें ये कब दिखाई देगा रेनबो ऑब्जॉर्बर को, जब जो सन है उसकी बैक साइड को फेस कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम स्कैंड्री रेनबो की बात करें तो स्कैंड्री रेनबो कैसे बनता है, जब जो हमारी सनलाइट है वो क्या है, दो TIR होती हैं उसमें, दो TIR। इसमें क्या, स्कैंड्री में दो TIR हो रही है लेकिन इसमें सिर्फ 1 TIR हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्कैंड्री रेनबो में दो TIR होती है, ठीक है, एज वेल एज इसमें डिस्पर्जन भी होती है जब वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उससे, जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो जो कलर पैटर्न है वो क्या है, बिल्कुल प्राइमरी रेनबो का रिवर्स होता है। पहले, ठीक है, जो वॉयलेट है वो आउटर एज पर होगा, जो रेड है वो इनर एज पर होगा रेनबो के, ठीक है। तो ये कितने एंगल पर दिखाई देते हैं, 52 to 55 degree के एंगल पर, उस लाइन पर जो सन और ऑब्जॉर्बर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और जब हम इसे हम कब देख सकते हैं, जब जो सन है वो हमारी बैक साइड को, ऑब्जॉर्बर की बैक साइड को फेस कर रहा होगा, ठीक है। जो प्राइमरी रेनबो है वो हमें ज़्यादा इंटेंस दिखाई देता है सेकेंडरी रेनबो के मुकाबले, ठीक है। तो यही था इस सारे चैप्टर में, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनको कोई भी अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो वो मेरी वीडियोज़ को देख कर उनके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।